ओम साई राम, क्या आप भी अपने कर्मों को लेकर हर समय चिंतित रहते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्या कर्म किया था जिसकी सजा हमें इस जन्म मिल रही है? आप सभी साई भक्त की इन बातों को सुने, शायद आपको बहुत शांति मिलेगी। और ध्यान रखें, ध्यान से सुने। ओम साई राम। कर्म गति, सब चीज का टाइम टेबल रखा है। कब मृत्यु होगी उसको मालूम है, कब आपका भाग उदय होगा उसको मालूम है, कब आपके साथ घटना होगा उसको मालूम है। पूरा लेखा जोख हमारा आपका वो रखा हुआ है। एक फोकस दिया है कि सत्य मार्ग में चलिए, तो कोई गुरु मिलेगा तो उस फोकस को रोक सकता है। ये ज्ञान हमें शिरडी के महान संत सदगुरु परम ब्रह्म परमात्मा साईनाथ से प्राप्त हुआ है। हम तो कुछ नहीं जानते थे, और वही भाव आपको बाबा की प्रेरणा से बता रहा हूं मैं। और जब वो लड़का बीमार हो गया, पैसा खर्चा हो ही जा रहा है, और उस लड़के की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। वो गांव का लड़का जिस स्थिति में था, जैसा था, उस स्थिति में जब आया वो, तब वह लड़का बोलता है कि मैं तेरा पुत्र नहीं हूं। देखो, वो आत्मा देख रहा था, और मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, मैं तेरा वही दोस्त हूं जिस क्षण से तू मेरे साथ विश्वासघात किया है, और मैं तेरे को उसी स्थिति में छोड़कर जा रहा हूं। शरीर को त्याग दिया, तो ये कर्म गति है, कर्मों का फल मिलेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, ऐसा कोई कर्म मत करिए जिससे हमारी इस मनुष्य योनि में बहुत अधिक संकट के बादल छा जाए। मैं एक व्यक्ति के पास जाता था, वह व्यक्ति बहुत गरीब था। वह व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने उस व्यक्ति को साईं बाबा के नाम पर यथायोग मदद किया कि ये व्यक्ति खड़ा हो जाए। उसकी पत्नी थी, 3-4 बच्चे थे। मैं 1-2 मरते गया, आसपास के लोग आश्चर्यचकित देखे, मुझे बोले मुझे क्या करना है। उसकी कुछ दोस्ती ऐसी लग गई थी कि जो उसको मुर्गा देता था वो मुर्गा बनाता था, खाता था, खिलाता था। 1-2 मरते मैंने देखा, बोले भाई ये काम मत करो। बोले क्या करें गुरु जी, मन तो नहीं मानता है। और एक दिन जैसा तड़प तड़प मरा, वो जीव आपके पीछे लग जाएगा, उससे नहीं बच पाओगे। तो इन सारे भाव को लेकर, अच्छे सत्य चरित्र को लेकर, विचारों को लेकर आप हमारे इस के माध्यम से अपने जीवन को भाइयों बहनों महान बनाइए। और आप कुछ मत हमको दीजिए, को शेयर करिए, ताकि ये आश्रम भव्य धाम बनके जन कल्याण में सबका आशीर्वाद करे। भरोसा करके हमने अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त को, सगे संबंधियों को और पहचान वालों को पैसा दिया, धन दिया उधारी में, लेकिन आज वह देने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो क्या करें? हम परेशान हो चुके हैं। तो आज ही करें साईं के भक्त का यह खास उपाय, और देखिए बाबा अगर चाहेंगे तो आपका रुका हुआ धन बहुत जल्द मिलेगा। ध्यान से सुने इस प्यारे से बाबा जी के मुखार बिंदु से साईं बाबा के इस उपाय को, और जरूर करें और देखिए साईं का चमत्कार। आप घर में कपूर ले आइए, कपूर को जला लीजिए,
काजल बना लीजिए और भोजपत्र में जितने लोग को आपने पैसा दिया है उनका काजल बना के लिख लीजिए और फोल्डिंग करके आप सात मरते अपने हाथ को उसके ऊपर थपथपाइए कि जल्दी मेरा पैसा दे, जल्दी मेरा पैसा दे। और कोई सुनसान जगह में आप किसी पत्थर के नीचे में दबा के आ जाइए, बाबा चाहेगा वहाँ हलचल मचेगी और वह पैसा आना शुरू हो जाए। तिनका तिनका जोड़ के हमने प्यारी सी दुकान खोली, पर क्या हो गया पता नहीं किसकी नज़र लग गई और हमारी दुकान चलना बंद हो गई। आप लोगों के साथ भी हो रहा है ऐसा, तो आज ही साईं भक्त की इन बातों को सुने और अपने दुकान पे करें ये टोटका। देखिए बाबा कैसे कृपा करते हैं और आपकी दुकान कैसे चलती है। जयकारा मेरे शिरडी के साईनाथ का, बोलिए साँचे दरबार की जय। ध्यान से सुने साईं भक्त की इन उपाय को। ओम साई राम। दुकान बहुत ज़्यादा चलेगी। आप अपने दुकान में एक कार्बन को जला लीजिए, अब पूरे दुकान में भ्रमण करा दीजिए, तत्पश्चात उसको बाहर फेंक दीजिए। ऐसा करेंगे उसका प्रभाव आपको मिलेगा। तो आज यहीं तक आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इंटरव्यू देने जाते हैं एवं नौकरी में जाते हैं एवं किसी काम में जाते हैं तो हमको सफलता नहीं मिलती है, यह उपाय आपको बताऊंगा। ओम साई राम। ओम साई।